हमने जी बस एक ही बिल्ली रखी है डेरे पर, वो भी तलीम याफ्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे जी। शाम का जी व्लॉग शुरू करते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही के बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसे भी लाइक कर दे, शुक्रिया। शाम का जी व्लॉग शूट करते हैं। ये जी मेरे पीछे आप मक्की देख सकते हैं जी, ये हमने तकरीबन एक मंथ पहले काश्त की थी, ठीक है, जनवरी के लिए। और ये कल से इंशाल्लाह हम जी इसको काटना शुरू कर देंगे और भैंसों के आगे जनाब उनके मोजे लग जाएगी अब, क्योंकि इन दिनों में चारा बहुत ही कम हो जाता है। और इस साइड पर देखिए जी, बारिश का मौसम बना हुआ है, बहुत ही माशाल्लाह अच्छा व्यू बना हुआ है आज तो। क्या पता शाम तक बारिश आ जाए। आज गर्मी तकरीबन 48 टेम्परेचर था जी पाकिस्तान पंजाब में। और इस साइड पे जी हमने सुबह सवेरे ना आज हल चलवा दिया था इस खेत में, ठीक है। और इंशाल्लाह हम जी यहाँ पे चावल की पनीरी काश्त करेंगे और छोटा सा व्लॉग बना के अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। माशाल्लाह जी क्या खूबसूरत मौसम बन चुका है आज, क्योंकि गंदम की फसल ख़त्म होने के बाद पनीरी की काश्त की जाती है, चावल की पनीरी की। अब चलते हैं जी डेरे और वहाँ जी खोलते हैं जी मुर्गी को, क्योंकि वो भी कुछ खा पी ले। आज बहुत ही रोमांटिक मौसम बना हुआ है, बारिश का मूड है जी आज फुल। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जी। आज बाहर काम काम काट दे सर। चल टोरू हूं की आ थक गया पा अब्दुल्ला दे के। बतखें भी माशाल्लाह जवान हो गई हैं। ये जी थोड़े से दाने खाती है और भाग जाती है पानी के लिए, वो गई है। गर्मी बहुत ही ज्यादा जी आजकल। खरगोश की तरफ देखे जी। दो मुर्गियां जी बैठी है जी अंडू पर, मैं आप जी उसे लेके आऊंगा उन दोनों को, क्योंकि शाम का टाइम है, वो भी कुछ खा पी ले। आइए जी उनको निकालते हैं बाहर। चलो आज बाहर बड़े सलूक ना बैठी है, तो खाना पीना नहीं तुसी? ये देखे कितने प्यार से बैठी है जी और सलूक से। चलो आज कोई खा पी लो। ये है जी दूसरी, एवं धक्के ने बह गई। ओए होए क्यों मारनी जालमे, ये तो बहुत ही डांटी। अब जी डालते हैं जी इनको दाना, ये भी खा ले और शाम इनकी बड़े आराम से गुजर जाएगी। तकरीबन ये वाइट गंजी मुर्गी है ना, उसको मैंने बिठाया था जी 21 को अंडू पर, ठीक है। या और साथ ये भी शिफ्ट हो गई है, देखिए जिसे कितनी भूख लगी है। कल जी मैं अंडू की कैंडलिंग करूंगा, ठीक है। कैंडलिंग करके हम देखेंगे जी कितने अंडे खराब है और कितने सही है, और वो भी छोटा सा व्लॉग बनाएंगे हम कल इंशाल्लाह। अब जी टाइम हो चुका है जी दूध धोने का,
हूँ मैं फात बज के डेरे जाने लगा हूँ, आइए फिर चलते हैं क्योंकि धार कट दी टाइम ना, बारिश का मौसम बने हैं। सूरज भी आप देख सकते हैं जी बिल्कुल ग्रुप होने वाला है, ठीक है अब चलते हैं जी फात बज के डेरे। वहाँ जो भी लिस्सी हो गई है कट्ठे तो कोई ना हो जाए हूँ। सुबह मिली कौन सी भाई ते हूँ तो माशाल्लाह वेने मिलती है कि नहीं मिलती। और ये रही जी हमारी कैटो, इसे भी भूख लगी है जी अब, और फात भाई जी मुकम्मल तैयारी में है जी अब। कौन है निक्या जा जरा, हाँ पीना दूध आपने? अच्छा सबर कर चुने हैं तुम प्याने हैं फिर। हाँ दूध पीने कैंच कर दी। अच्छा मेरे सामने कैंच कर दी आराम कर दी। अच्छा चल दो घुट पी लें तू तीन दे दो घुट है ला कि भाई दुद्ध दे दे तार। ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਛੀ ਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਹਮ ਡਾਲੇਂਗੇ ਜੀ ਇਸਕੋ ਦੂਧ ਪੀਣਾ ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਨਾ ਮੂਡ। ਹਮਨੇ ਜੀ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿੱਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਡੇਰੇ ਪਰ, ਵੋ ਵੀ ਤਲੀਮ ਯਾਫਤਾ बहुत ही सियानी और साउ सील मिली है। क्यों है पीना दुध कोई ना, ऐसे मूड करो फाद वन दी है दुध पाओ मेरा मूड बने ठीक है। अच्छा सियानी बड़ी क्यों जिन्हें तक दुध नज़र ना आया उन्हें तक इन्हें बोलना नहीं है मस्करिया करनी है। दुध भी फ्रेश पीती है ना, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें, लाजमी दोस्तों बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़, बहुत सारा प्यार।